अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि आप किस तरह नए मोबाइल का पीटीए का टैक्स मालूम कर सकते हैं। आपने *8484 मिलाना है, उसके बाद हैश मिलाकर ओके कर देना है, फिर यहां पर प्रेस वन कर देना है, फिर उसके बाद आपने प्रेस वन कर देना है, फिर आपने प्रेस वन कर देना है। अब यहां पर दो चीज़ें हैं, ठीक है ना, कि लोकल है या आप ट्रैवल वाले हैं। तो आपने पहला क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर फिर दो चीज़ें आ गई हैं कि आप लोकल हैं या इंटरनेशनल ट्रैवल हैं, तो आपने लोकल करना है, ठीक है ना जी। यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। मैंने शनाख्ती कार्ड नंबर लिख दिया है और लिख कर फिर जब मैंने सेंड पर क्लिक किया था, फिर आगे ये आ गया है, अगर आपका मोबाइल एक सिंगल ईमी वाला है तो आपने एक प्रेस करना है, अगर आपका मोबाइल डबल ईमी वाला है तो आपने दो प्रेस करना है, अगर आपका मोबाइल तीन ईमी वाला है तो आपने फिर ट्रिपल तीन वाला क्लिक करना है। तो मेरे पास दो वाला है ईमी वाला, मैंने दो यहाँ पर कर दिया। तो यहाँ पर वो कहते हैं ईमी नंबर लिखे, मैं ईमी नंबर लिखता हूँ। मैंने ईमी नंबर लिख कर जब सेंड किया था, फिर उसने कहा है दूसरा ईमी नंबर लिखें, इंटर द सेकेंड ईमी। तो क्योंकि मैंने दो ईमी वाला सेलेक्ट किया था दूसरा वाला ऑप्शन, तो इसलिए दो मैंने ईमी डालनी है यहाँ पर। अगर तीन वाला सेलेक्ट करता तो यहाँ तीन डालता। तो अब फिर मैं यहाँ पर वीडियो स्टॉप करके फिर मैं लगाता हूँ दूसरी ईमी। ये आप देख सकते हैं जी, आपके सामने आए, ये इस तरह का फिर मुझे स्क्रीन पर मैसेज शो हो गया है, क्योंकि जब मैंने वो ईमेल वगैरह लगाई थी, फिर उसने कंफर्मेशन के लिए पूछा था कि आप कंफर्म करना चाहते हैं ये आपके यानी कि ईमेल वगैरह हैं, तो मैंने कहा था यस, तो यस के लिए एक प्रेस करके फिर ओके किया। जब मैंने फिर यहाँ पर इसी तरह मैसेज आ गया, कैंडली वेट फॉर कंफर्मेशन SMS, और ये SMS आ जाता है कभी घंटे दो में आ जाता है, कभी नेक्स्ट डे पर आ जाता है, तो ये आ जाता है और आपको SMS में आपको मिल जाता है कि कितना आपका PTA का टैक्स है। और अगर आपने टैक्स पे कराना हो तो फिर मुझे व्हाट्सअप करके या मेरे यूट्यूब चैनल पर मुझे वो कमेंट्स करके आप मुझसे ये टैक्स पे भी करवा सकते हैं।